वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 369 श्रेणी में दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें एक आतंकी के ढेर होने की खबर मिली है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर मशीन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ही आरटीपीसीआर लैब रहने से मरीजों की जल्द से जल्द जांच हो पाएगी। केंद्र द्वारा मामले में तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज नीटी पीजी प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने नए साल में अपना रुख नहीं बदला है। आज उत्तर कोरिया ने 2022 के पहले सप्ताह में ही बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नए साल में अपने आक्रामक इरादे कायम रखे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक डीडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली मेट्रो 100% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। अगली सूचना तक किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी से बतौर ट्रेनी कैरियर शुरू करने वाले निर्देशक डॉक्टर अलका मित्तल को कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देश के पहले मानव मिशन गगनयान को सकुशल पूरा करने के लिए रवाना होने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर रहते हुए ही अंतरिक्ष में जीने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 13,88,647 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 68,38,17,242 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस कहर भरपाने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 58,057 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 534 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।